छोटी छोटी बातों से जीवन बहुत महान बन जाता है, छोटी छोटी अच्छी बातों से, और छोटी छोटी बुरी बातों से जीवन बहुत बुरा बन जाता है। मैंने छोटी छोटी बातें की जिंदगी में, कोई बहुत बड़ा धरती को प्रलय करने वाला काम नहीं किया, मैंने छोटी छोटी बातें क्या की, बचपन में स्वाध्याय करना शुरू कर दिया। मैं जब 10-12 साल का था, 12 साल की उम्र तक करीब करीब महर्षि दयानंद का साहित्य और अनेक महापुरुषों की जीवनियां और योग की छोटी छोटी पुस्तकें, अब योग दर्शन सांख्य न्याय वेदांत ये तो हमारे पास थे ही नहीं, तो पढ़ते कहाँ से, छोटी छोटी किताबें जिनमें योग के बारे में लिखा था, उनमें चित्र होते थे, उनको देख देख करके, ज़्यादातर में तो वो रेखा चित्र होते थे, उस समय फोटोग्राफी वाला थोड़ा प्रचलन कम था, तो देख देख करके योग सीखी, स्वाध्याय करने की आदत, सुबह जल्दी उठने की आदत, मेहनत करने की आदत, नाराज न होने की आदत। एक दिन हमने स्कूल में सुना रूठना नहीं चाहिए, पहले मैं बहुत रूठ जाया करता था, लेकिन उसके बाद हमने रूठना छोड़ा ही दिया, और अब तो मैं देखता हूं अब तो मुझसे ही कोई ना कोई रोज रूठा रहता है, मेरा काम रूठों को मनाने का हो गया। अब बताओ, ये छोटी छोटी आदतें होती हैं, रूठने की आदत, फिर गुस्सा करने की आदत, गुस्से में आदमी पता नहीं क्या से क्या बोल देता है, इसलिए आदमी को बहुत धीरज रखना पड़ता है, धर्म का पहला लक्षण ही धीरज, धीरज रखो भाई, कितनी बड़े बड़ा कोई प्रलयकारी काम हो जाए धीरज मत खो, कर्तव्य से विमुख नहीं होना, धीरज बहुत बड़ी चीज है, धैर्य, पेशेंस, और ये जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। फिर छोटी छोटी बातें जो एक बार मन में ठान लिया उसको पूरा करके ही रुकना, बीच में आधा नहीं छोड़ना, जिसका एक बार हाथ पकड़ के रखा जिंदगी में उसका साथ नहीं छोड़ना, छोटी छोटी बातें, ये इनसे जीवन चलता है। खाने पर कंट्रोल करना, विचारों पर नियंत्रण रखना, अपनी वाणी व्यवहार पर नियंत्रण रखना, अपनी बड़ों की इज्जत करना, कृतज्ञता का भाव रखना, और कभी भी कोई कितनी ही अपनी बुराई करे, कोई कितना ही अपने से द्वेष करे, आप किसी का बुरा मत करना। ये छोटी छोटी बातें आप सबने सुनी हुई हैं, सुनते तो हैं लेकिन वैसा पूरा करते नहीं। इसलिए मैंने एक बात कही थी कि सब हमारे बड़े गुरु इस बात पर ध्यान दिलाते हैं, भाई जो चीज़ हमें समझ में आ गई है, जानी हुई बात का, सुनी हुई बात का, समझी हुई बात का आदर करो। अब एक छोटी सी बात लेकिन जीवन की सबसे बड़ी बात, बुरी चीजों का एक बार भी आदर नहीं करना चाहिए, बुरा विचार, बुरी वाणी, बुरा व्यवहार जो भी हो, बुरी बात का एक बार भी आदर नहीं करना, अशुभ का एक बार भी आदर नहीं करना, दुरित का, दुर्गुणों का, दोषों का, दुर्बलता का, कमजोरियों का एक बार भी आदर नहीं करना, और अच्छी बात का एक बार भी अनादर नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें जीवन की सारी बातें आ गई। बचपन में हमने छोटी छोटी चीजें की हैं, कोई बहुत बड़े पहाड़ नहीं तोड़े हमने, कोई प्रलय नहीं की हमने, और इसलिए फिर यहाँ बैठे, एक एक क्षण आगे बढ़ते गए, जीवन में एक एक क्षण ऐसे ऊंचे उठते हैं, जो आज दुनिया के शिखर पर बैठे लोग हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो अनायास किसी चोटी पर, शिखर पर नहीं पहुंच गए, एक एक कदम उन्होंने ऐसी ऊंचाई की ओर आगे बढ़ा, और जो आज धरातल में, रसातल में गिरे पड़े हैं, वो ऐसे रसातल में नहीं पहुंच गए, वो एक एक कदम गिरते चले गए। ये हमारे ऊपर निर्भर है, करता है कि हम किधर जाएं।